विश्वामित्र नदी पे बसा बड़ौदा गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बड़ौदा या वडोदरा को पहले बड़ोदरा के नाम से जाना जाता था। बड़ोदरा में सन 600 AD से हिंदू राजाओं का शासन था। हिंदू राजाओं ने बड़ौदा पर 13वीं सदी तक राज किया। पहले तो चालुक्य वंश ने गुप्त वंश को पराजित करके बड़ौदा को अपने शासन में ले लिया और फिर सोलंकी राजपूतों ने अपना शासन कायम किया। इस समय गुप्त और चालुक्य राज्यों के भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन था। दुर्भाग्यवश बड़ौदा में इन सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं है। 16वीं सदी आते आते बड़ौदा पर मुगलों का राज्य स्थापित हो चुका था। बड़ौदा में मुगल सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। उस समय सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम लिखा जाता था और सिक्के चांदी के बने होते थे। साथ ही इन सिक्कों का आकार चौकोर होता था। सिक्कों पर फारसी लिपि का प्रयोग होता था। 1700 आरंभ होते होते मुगल राज्य के लिए मराठा एक चुनौती पेश कर रहे थे। 1705 में पहली बार मराठा सेना ने गुजरात की ओर कूच किया। मराठा सेनापति खांडेराव दाभड़े ने 1716 तक मराठा को गुजरात में एक सशक्त शक्ति बना दिया। मराठा पेशवा के सेना की ओर से पिलाजीराव गायकवाड़ को गुजरात में कर के कामकाज के लिए नियुक्त किया गया। गायकवाड़ राजवंश ने बड़ौदा में अपने सिक्कों का चलन प्रारंभ किया। इनका आरंभ करने वाले राजा थे मनाजीराव। उन्होंने बाकी मराठा राजाओं की तरह मुगल बादशाह शाह आलम के नाम से सिक्कों को चलाया, क्योंकि मराठा ने दिल्ली पर पुनः मुगल राज्य को स्थापित करने में सहायता की थी। देवनागरी में म लिखा गया था, जो मनाजी राव के नाम को दर्शाता था। म शब्द ही मराठा सिक्कों को मुगल सिक्कों से अलग करता था। सन 1800 में आनंद राव ने गायकवाड़ राजवंश की बागडोर संभाली। उनके समय में सिक्कों के ढलन का काम अहमदाबाद में होने लगा। अहमदाबाद टकसाल का चिन्ह अंकुश सिक्कों पर अंकित किया जाने लगा और देवनागरी में ग अंकित था, जो गायकवाड़ वंश का प्रतीक था। कुछ सिक्कों पर शाह आलम द्वितीय का नाम अंकित था। वहीं कुछ सिक्कों को बड़ौदा की टकसाल में ढाला गया था और उन पर मोहम्मद अकबर द्वितीय अंकित था। साथ ही साथ में गायकवाड़ राज्यवंश के प्रतीक के रूप में तलवार भी अंकित थी। आनंद राव के राज्यकाल में गायकवाड़ ने अपने आप को मराठा से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया और साथ में ब्रिटिश राज्य की मान्यता प्राप्त की। 1819 में आनंद राव की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई सयाजी राव द्वितीय गायकवाड़ को राजा बनाया गया। 1819 से 1847 तक उन्होंने ही कई चरणों में सिक्कों में कई बदलाव किए। तलवार की आकृति की जगह बदली गई। पहले चरण में तलवार जुलूस के बाईं तरफ थी, वहीं दूसरे चरण में इसे जुलूस के ऊपर रेखांकित किया गया था। सिक्कों को चांदी और तांबे से बनाया जाता था। 1847 में गणपत राव ने राज्य संभाला। उनका शासन काल लंबा नहीं था, परंतु उन्होंने अहम बदलाव किए जो आने वाले गायकवाड़ राजा ने भी अपनाए। उन्होंने पहली बार देवनागरी में श्री को अंकित करवाया और साथ में शमशीर के साथ फूलों की आकृति भी बनवाई। गणपत राव के बाद खांडे राव द्वितीय गायकवाड़ ने इन्हीं सिक्कों की श्रृंखला की रूपरेखा पर सिक्कों का ढलन करवाया। देवनागरी में श्री और खग अंकित किया, साथ ही टहनी और फूलों को चित्रित किया। इन सिक्कों का वजन 5 से 6 ग्राम था और व्यास 18 से 20 मिलीमीटर का। अग्रभाग में फारसी भाषा का उपयोग था, परंतु बहुत से लेख एक साथ लिखे गए। खोजकर्ताओं के लिए इन लेखों को समझना कठिन था। 1870 में बने राजा मल्हार राव ने सिक्कों में फारसी शब्दों को छोड़ देवनागरी शब्दों को अधिक महत्व दिया। 2 पैसे के मूल्य के तांबे के सिक्कों में एक चक्र अंकित किया गया था। उन्होंने चांदी के रुपए और तांबे के 2 पैसे के मूल्यों के सिक्के बनवाए। इन सिक्कों को बड़ौदा की टकसाल में ही बनवाया। मल्हार राव ने अपने शासनकाल में बड़ौदा की संपत्ति का अंधाधुंध उपयोग किया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने ऐसी वस्तुएं बनवाई जो किसी काम की नहीं थीं, जैसे सोने का तोप का गोला और मोतियों से जड़ा कालीन। मल्हार राव की महत्वाकांक्षा ब्रिटिश रेजिडेंट कर्नल आर फायर सीबी तक पहुंची, पर वो कुछ करते उससे पहले मल्हार राव ने रेजिडेंट को विष देकर हत्या की असफल कोशिश की। 1875 में ब्रिटिश सेक्रेटरी लॉर्ड सेलिसबरी ने उन्हें बड़ौदा की गद्दी से हटा दिया। कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण महारानी जमनाबाई ने गायकवाड़ वंश के कई रिश्तेदारों के पुत्रों को बुलाया। ब्रिटिश सरकार की सहमति से गोपाल राव को बड़ौदा का राजा चुना गया। उन्हें सयाजी राव तृतीय का नाम दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि भी प्रदान की। सयाजी राव तृतीय गायकवाड़ राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा माने जाते हैं। उन्होंने ही बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे संस्थान की स्थापना की थी। उनके शासन में हाथों से बनने वाले सिक्कों की जगह मशीन से बनने वाले सिक्कों ने ले ली। इस समय गायकवाड़ राज्य में 6 टकसाल सिक्के बनाती थीं। अहमदाबाद, बड़ौदा, सनखेड़ा, पेटलाद, जम्बूसर और अमरेली। हर टकसाल का अपना ही काम होता था। अमरेली में सिर्फ तांबे के सिक्कों का ढलन होता था और सनखेड़ा में 1 रुपए के सिक्के बनाए जाते थे।
पहली बार इन सिक्कों में किसी गायकवाड़ राजा की प्रतिमा अंकित थी। सयाजी राव की प्रतिमा सिर्फ चांदी के 1 रुपए के सिक्कों में ही देखने को मिलती है। तांबे के सिक्कों में पिछले सिक्कों की तरह तलवार अंकित रही। अब सिक्कों पर सिर्फ देवनागरी भाषा का उपयोग हो रहा था। देवनागरी में सिक्कों का मूल्य और सरकार अंकित था। लेख को सुंदर फूलों की कलाकृति से सजाया गया था। 20वीं सदी में बड़ौदा राज्य को ब्रिटिश रेजिडेंट संभालते थे। बड़ौदा एक शक्तिशाली और सबसे धनवान राज्य था, जिसमें 2 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। पिट्सबर्ग प्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बड़ौदा के नजरबाग महल में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का एक खानदानी हीरों का हार रखा था और साथ में कई तरह के अमूल्य पत्थरों से सजे कपड़े भी थे। 1930 आते आते बड़ौदा रेजिडेंसी में अब भारत के कई पश्चिमी हिस्से भी आ चुके थे, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी था। 1939 में सयाजी राव तृतीय की मृत्यु के बाद भी बड़ौदा एक सशक्त राज्य बना रहा और सिक्कों को ढालने का काम भी बड़ौदा में चलता रहा। 1947 में भारत के स्वतंत्र देश बनने तक बड़ौदा राज्य अपने आप में ही स्वतंत्र राज्य बना रहा। 4 सितंबर 1948 को लक्ष्मी विलास महल में एक महत्वपूर्ण दरबार हुई, जहां बड़ौदा के महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ ने बड़ौदा में दीवान घोषित किया। उस वक्त बड़ौदा के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता थे। उस वक्त बड़ौदा के गायकवाड़ सिक्कों के बदले भारतीय मुद्रा रुपए का ही उपयोग किया गया। सरदार पटेल की पहल के चलते 1949 को बड़ौदा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन गया और 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का गठन हुआ, जिसमें बड़ौदा भी शामिल था। जीवराज मेहता गुजरात के पहले चीफ मिनिस्टर बने।